सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा डिमांड का चैप्टर चल रहा है। तो डिमांड के चैप्टर में अब तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट सारा कवर कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिमांड के फैक्टर्स अफेक्टिंग और साथ ही साथ लॉ ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड कहां कहां अप्लाई नहीं होता, दैट इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। और साथ में ये भी देखेंगे कि क्यों एक कंज्यूमर प्राइस कम होने पर ही ज्यादा परचेज करता है, वाई अ कंज्यूमर डिमांड्स मोर व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, यानी लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई होता है, या फिर कह लीजिए हमारी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होती है, प्राइस कम होने पर ही एक कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी डिमांड क्यों इंक्रीज करता है। सो दो टॉपिक्स हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड के साथ ही कंटिन्यू किए जाते हैं। सो लॉ ऑफ डिमांड हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस क्या है वो भी हम बता चुके हैं। सो अब हम देखेंगे कि ये लॉ ऑफ डिमांड किन गुड्स के ऊपर, किन आइटम्स के ऊपर या किस सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होता। और हम ये भी देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई होता है, क्यों एक कंज्यूमर ज्यादा परचेज करता है जब प्राइस कम हो जाता है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं। सो ये हमारे पास है दोनों टॉपिक, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एंड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी जो हमारी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड ही स्लोपिंग क्यों होती है। या फिर हम ये भी इसको थोड़ा ट्विस्ट करके ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई मोर ऑफ अ गुड्स इज परचेस्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। प्राइस कम होने पर ही डिमांड ज्यादा क्यों होती है, क्यों कस्टमर एक ज्यादा कमोडिटी परचेज करता है। तो ये तो सिंपल है, आपको पता ही है, हमें भी पता ही है, एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा ट्राई करता है कि वो अपना जो रिजल्ट है, अपना जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज कर सके, इंक्रीज कर सके। सो अपने रिजल्ट को, अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमाइज करने के लिए एक कंज्यूमर जो है वो प्राइस कम होने पर ही ज्यादा क्वांटिटी परचेज करता है। यानी मेजर रीजन क्या है, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, या फिर प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। ये एक मेजर रीजन है जिसके कारण हमारी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि एक रैशनल कंज्यूमर ट्राई करता है कि वो अपनी लिमिटेड इनकम को कुछ इस तरह से यूटिलाइज करे कि उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। अब आप भी एक कंज्यूमर हो, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो मार्केट में जाके परचेज करने की कोशिश करते हो ना, जो भी आपको पॉकेट मनी मिलती है, जो भी आपकी इनकम है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको गेन हो सके, आप ऐसा ट्राई करते हो ना। सो हर कंज्यूमर ये करता है। सो द मेजर रीजन इज प्राइस कम होने पर ही डिमांड ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि हर कंज्यूमर एक रैशनल कंज्यूमर है। एज अ रैशनल कंज्यूमर, हर कंज्यूमर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कम प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन परचेज कर सके। लेकिन क्या और भी रीजन है जिसके कारण कम प्राइस पे ज्यादा डिमांड होती है? यस। सो अब अदर रीजंस एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपने किया हुआ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में जो यूटिलिटी एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट है उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या होता है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? का मतलब होता है एवरी टाइम जब भी आप एक और एडिशनल यूनिट परचेज करोगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप परचेजिंग करते जाओगे सेम कमोडिटी की लगातार बार बार, उसको कंज्यूम करते हुए आप बोरिंग फील करने लग जाओगे। एक प्रोडक्ट जिसका टेस्ट और प्रेफरेंस आप एक बार ट्राई कर चुके हो, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अगर उसको ट्राई करोगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होती जाएगी। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट मेजर रीजन है जिसके कारण एक कंज्यूमर प्राइस कम होने पर ही ज्यादा परचेज करता है। क्योंकि सिंपल है, अगर आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी तब तो आप पेमेंट भी ज्यादा करोगे,
प्राइस ज्यादा पे करने के लिए भी रेडी हो जाओगे। लेकिन जब आपको पता है कि सेकेंड टाइम प्रोडक्ट परचेज करने पे आपकी सेटिस्फेक्शन या तो सेम रहेगी या फिर कम होगी, बढ़ेगी नहीं, तो क्या एज अ रैशनल कंज्यूमर आप ज्यादा पेमेंट करके उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहोगे? ऑब्वियसली नॉट। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। अगर पहली बार प्रोडक्ट परचेज किया, मान लो आपके सेटिस्फेक्शन मिली 10 की, सेकेंड टाइम आपको पता है कि आपको सेटिस्फेक्शन, जो चेंज इन सेटिस्फेक्शन है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो 8 की मिलने वाली है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट, सेम टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो अगर उसी प्रोडक्ट को आप दोबारा कंज्यूम करोगे तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कम होगी। अब अगर तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, तो एज अ रैशनल कंज्यूमर आप ज्यादा पेमेंट करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। लेकिन जब पता है कि भाई सेटिस्फेक्शन बढ़नी नहीं है, कम होनी है, तो ज्यादा पेमेंट करके उस प्रोडक्ट को दोबारा परचेज करोगे? अगर सेलर ने उसका प्राइस बढ़ा दिया तो फिर भी आप उसी को परचेज करोगे? Obviously not, आप कोई दूसरा alternative ढूंढोगे। तो सिंपल है, लॉ ऑफ diminishing मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि एवरी टाइम हमारी यूटिलिटी कम होगी। अगर यूटिलिटी कम होगी तो एज अ रैशनल कंज्यूमर आप प्राइस भी कम पे करोगे। यानी नेक्स्ट टाइम अगर आप सेम प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहते हो या कंज्यूम करने जा रहे हो, तो आप प्राइस कम ही पे करके आओगे, ज्यादा नहीं। तो दैट इज वाई कंज्यूमर प्राइस कम होने पर ही ज्यादा परचेज करता है। सो यहां पर आप देख सकते हो, द कंज्यूमर विल बी रेडी टू पे मोर फॉर दोज यूनिट्स विच प्रोवाइड हिम मोर यूटिलिटी एंड लेस फॉर दोज विच प्रोवाइड हिम लेस यूटिलिटी। अब रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर तो यही होगा ना, अगर सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी तो वो ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी तो वो पेमेंट भी कम करेगा। सो इट मीन्स, इट इंप्लाइज दैट he will purchase more only when the price of the commodity falls. वो ज्यादा purchase तभी करेगा जब price कम हो जाएगा। So ऐसे ही next हमारे पास है income effect. अब income effect का मतलब हम यहां पर ये study नहीं करने वाले हैं कि income increase या decrease होने पे customer की demand के ऊपर क्या effect पड़ता है। No doubt income के increase decrease होने पे customer की demand पे effect पड़ता है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, वाई लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट, लॉ ऑफ डिमांड क्यों एग्जिस्ट करता है। यानी प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ क्यों जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड में एक एजम्पशन है, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। तो अदर थिंग्स में कंज्यूमर की इनकम भी आ गई, तो यहां पर हम कंज्यूमर की इनकम को तो कॉन्स्टेंट ही मानेंगे ना। तो सर फिर इनकम इफेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इनकम इफेक्ट में हम रीड करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ रियल इनकम। अब ये रियल इनकम क्या होती है? रियल इनकम को हम एक तरह से सेविंग्स भी कह सकते हैं। यानी अगर एक कस्टमर की रियल इनकम बढ़ेगी, अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग, प्रीवियस प्राइस के अकॉर्डिंग अगर एक कस्टमर की सेविंग्स बढ़ जाएंगी तो उसकी डिमांड भी तो बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली। अब ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करो। इस एग्जाम्पल में हमें कह रहे हैं, मान लो एक कस्टमर 150 रुपीज में 5 केजीज ऑरेंजेस परचेज करता था, बाद में ऑरेंजेस का प्राइस कम हुआ, अब सेम क्वांटिटी एक कस्टमर 100 रुपीज में कंज्यूम करता है। अब इससे क्या एक कस्टमर की रियल इनकम बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। यहां पर एक्चुअल इनकम की बात नहीं हो रही है। मान लो एक कस्टमर की इनकम 1000 थी, अभी भी 1000 ही है, पहले वो 150 रुपीज में 5 केजीज ऑफ ऑरेंजेस परचेज करता था तो उसकी जेब में 850 रुपए बचते थे। अब वही ऑरेंजेस सेम क्वांटिटी में वो परचेज कर रहा है लेकिन 100 रुपीज में, तो अब उसकी जेब में 50 रुपीज एक्स्ट्रा बच रहे हैं, यानी अब उसकी इनकम 900 हो चुकी है। एक्चुअल इनकम नहीं, रियल इनकम। तो सेकेंड रीजन क्या है, क्यों प्राइस कम होने पर ही डिमांड बढ़ती है? क्योंकि प्राइस कम होने पर कस्टमर की रियल इनकम, उसकी सेविंग्स बढ़ जाती हैं, और जब उसकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी, उसकी एक्चुअल इनकम के कंपैरिजन में उसकी रियल इनकम बढ़ जाएगी, तो वो और ज्यादा कंजम्पशन कर सकता है ना। अब अगर आप 50 रुपीज और देते हो तो आपको
थोड़ी क्वांटिटी और मिल जाएगी। 150 रुपीज में आपको 5 केजी मिल रहे हैं, यानी 30 रुपीज पर केजी हो गए ना। तो अगर आप 50 रुपीज और देते हो तो आपको 1.5 केजी के नियर अबाउट और सामान मिल जाएगा। तो आपकी डिमांड बढ़ गई एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। सो इसका मतलब सिंपल है, अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो कस्टमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी। रियल इनकम बढ़ने से कस्टमर अपने सेविंग्स से थोड़ी और डिमांड बढ़ा पाएगा। तो क्यों प्राइस कम होने पर ही डिमांड बढ़ती है? क्योंकि प्राइस कम होने पे रियल इनकम यानी सेविंग्स बढ़ जाती हैं, और जब सेविंग्स बढ़ जाएंगी तो कस्टमर अपनी सेविंग्स को किसी और प्रोडक्ट में या फिर सेम ऑरेंजेस में ही कंज्यूम कर लेगा। पहले के कंपैरिजन में वो ज्यादा ऑरेंजेस परचेज कर लेगा। पहले अगर 5 केजी परचेज करता था तो अब 6.5 केजी परचेज कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। अब देखो, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती है जो इंटर एक्सचेंज की जा सकती है। इंटर एक्सचेंज मतलब एक के बदले में हम किसी दूसरे को यूज कर सकते हैं। अगर बॉल पेन नहीं है तो जेल पेन, कोक नहीं है तो पेप्सी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की अवेलेबिलिटी भी आपकी डिमांड को इफेक्ट करती है, जिसके कारण प्राइस कम होने पे कस्टमर्स ज्यादा आते हैं और डिमांड बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तरफ हमारे पास है पेप्सी और एक तरफ हमारे पास है कोक। मान लो ये दोनों ही प्रोडक्ट पहले 10 रुपए के थे, लेकिन अब कोक जो है वो सस्ती हो गई, 8 रुपीज की हो गई। अब होगा क्या, पेप्सी के कस्टमर्स इस तरफ आ जाएंगे। तो प्राइस कम होने पे कोक की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई ना। कोक जितने कस्टमर्स पहले परचेस कर रहे थे, ओल्ड कस्टमर्स, वो तो कोक को परचेस करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो कस्टमर्स पहले पेप्सी को कंज्यूम कर रहे थे वो भी अपनी डिमांड शिफ्ट करके किस पर आ जाएंगे, कोक पर आ जाएंगे। तो प्राइस कम होने पे डिमांड क्यों बढ़ती है, क्योंकि प्राइस कम होने पर कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। जो लोग पहले सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यूज कर रहे थे वो अब दूसरा प्रोडक्ट यूज करेंगे, पेप्सी की जगह कोक पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट ही तो है, सेम नीड ही तो फुलफिल हो रही है। ऐसे ही बॉल पेन और जेल पेन का भी ट्रेंड हो सकता है, कॉफी और टी का भी ट्रेंड हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट भी यहां पर अप्लाई होता है, यानी प्राइस कम होने पे सब्स्टिट्यूट गुड्स के कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट परचेज करने आ सकते हैं, जिससे डिमांड इंक्रीज हो सकती है। सो यहां पर देखो, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट मींस इफेक्ट ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑन द डिमांड ऑफ आर प्रोडक्ट। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज्ड इफ द प्राइस ऑफ आर प्रोडक्ट डिक्रीजेस। अगर हम अपने प्राइस को कम करेंगे तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के कस्टमर्स भी हमारे पास हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करने के लिए आ जाएंगे, जिसके कारण डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये थर्ड रीजन है जिसके कारण, मतलब जिसमें हम कह सकते हैं कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अब देखो, मार्केट में एक ना ग्रुप बना होता है, फ्रेंड सर्कल भी हम कह सकते हैं बना होता है। तो होता क्या है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड्स को रेफर करता है, अपने ग्रुप्स को रेफर करता है कि भाई ये प्रोडक्ट ना अब सस्ता हो चुका है, चलो हम इसको परचेज करते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट जो पहले महंगा था, अगर उसका प्राइस कम हो जाए तो वो कस्टमर्स जो पहले उस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी इसको डिमांड करना शुरू कर देंगे। मान लो एप्पल है, एप्पल का प्राइस 80-90-1 लाख तक जाता है। मान लो एप्पल ने अपना एकदम नया फ्रेश पीस, ब्रांड न्यू और न्यू आईफोन जो पहले बहुत ही हाई एंड लाख लाख रुपए का मिलता था, वो 40,000 में लॉन्च कर दिया, अच्छा क्वालिटी वाला। तो वो कस्टमर्स जो पहले 40,000 की रेंज में एंड्रॉइड को परचेज कर रहे थे ये कह के कि भाई एप्पल तो हमारी अफोर्ड से बाहर है, अब वो भी एप्पल को अफोर्ड कर पाएंगे। तो अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो कस्टमर्स उसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो लोग ये कहते थे कि ये तो हमारी रेंज से बाहर है, अब वो भी उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आ जाएंगे। तो प्राइस कम होने पर ही डिमांड क्यों बढ़ती है, क्योंकि
कस्टमर्स न्यू जनरेट होते हैं, न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर्स उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो पहले अफोर्ड के बाहर था, बजट के बाहर था, अब वो विद इन बजट आ जाता है, इसलिए डिमांड बढ़ जाती है। लास्ट हमारे पास है डिफरेंट यूजेस। अब आपको पता होना चाहिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ना अलग अलग यूसेज होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं मिल्क की। मिल्क आप यूज कर सकते हो फॉर स्वीट्स, फॉर टी, फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, फॉर आइसक्रीम, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाने के लिए। अब इसमें कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर तो मिल्क का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड कम होगी। सर ये कौन सी नई चीज बता रहे हो, ये तो लॉ ऑफ डिमांड ही है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि नो डाउट जो मिल्क है वो एक नेसेसिटी में हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो लोग स्वीट्स बनाना छोड़ देंगे, कर्ड जमाना छोड़ देंगे, दही जमाना छोड़ देंगे, टी पीना छोड़ देंगे। वो कहेंगे पहले ना बच्चों को दिया जाए, उनकी डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए ये ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोई प्रोडक्ट के ऑल्टरनेटिव्स हैं तो ऑल्टरनेटिव्स लोग कम कर देते हैं अगर प्राइस बढ़ जाए। वहीं पर अगर मिल्क सस्ता हो जाए, मिल्क का प्राइस कम हो जाए, तो लोग कहेंगे कि पहले 3 kg, 3 kg आता था ना घर में, ऐसे करो 5 kg ले आओ, प्राइस तो कम ही है, क्योंकि प्राइस कम है तो ज्यादा क्वांटिटी में लेके आओ। करेंगे क्या इतना सिंपल, दही भी जमा लेंगे, पनीर भी निकाल लेंगे, स्वीट्स भी बना लेंगे, आइसक्रीम भी बना लेंगे, डायरेक्ट कंज्यूम भी करेंगे, टी भी पी लेंगे। सो अगर एक प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस अवेलेबल हैं मार्केट में तो सिंपल है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम, प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा, क्योंकि लोग फिर उसको अलग अलग तरीके से यूज करना स्टार्ट कर देंगे। सो डिफरेंट यूजेस मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे मिल्क के बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं। इफ प्राइस राइजेस तो कस्टमर्स क्या करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए उसको यूज करेंगे, यानी उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। वहीं पर अगर इसका प्राइस कम हो जाएगा तो कस्टमर्स इसको डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में भी लेकर आएंगे और डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्या रीजन है व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, व्हाई कंज्यूमर परचेज मोर व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, व्हाई लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट, ड्यू टू 5 reasons: इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, डिफरेंट यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये सारे रीजन है जिसके कारण प्राइस कम होने पर ही डिमांड ज्यादा होती है। सर क्या ये लॉ ऑफ डिमांड हर जगह अप्लाई होता है? वैसे तो ये हर जगह अप्लाई होता है, लेकिन इसके अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, यानी ये लॉ ऑफ डिमांड कहां कहां अप्लाई नहीं होता। इतना तो आपको पता है ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और जब भी प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें ये लॉ अप्लाई नहीं होता, यानी प्राइस बढ़ने पे डिमांड ज्यादा और प्राइस कम होने पे डिमांड भी कम हो जाती है। सर ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें महंगा प्रोडक्ट तो ज्यादा डिमांड, सस्ता प्रोडक्ट तो डिमांड ही नहीं, ये कौन से प्रोडक्ट हैं? फर्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जिसको हम स्टेटस सिंबल गुड्स भी कहते हैं, इसको हम वेबल गुड्स भी कहते हैं। होता क्या है, ये अमीरों की निशानी होती है, अमीर लोग, रिच पीपल्स इसको तभी परचेज करते हैं जब इनका प्राइस ज्यादा हो। अगर ये सस्ते हो गए फिर ये अमीरों की निशानी नहीं रही। जैसे डायमंड्स, जिसकी इनकम 5,000 है वो भी डायमंड वेयर कर रहा है, जिसकी इनकम 1 crore है वो भी डायमंड वेयर कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा, अमीर लोग डायमंड, गोल्ड, सिल्वर इसलिए वेयर करते हैं ताकि वो अपने आप को रिच दिखा सके, अपना स्टेटस दिखा सके, वो दिखा सके कि इतनी महंगी चीज मेरे पास है, विंटेज कार, है ना, पेंटिंग्स ऑफ अ फेमस पेंटर्स, डायमंड्स। वो इसीलिए इसको परचेज करते हैं क्योंकि ये महंगे होते हैं। अगर ये सस्ते रेट में, चीप रेट में मार्केट में अवेलेबल होने लगे तो कस्टमर्स इसको परचेज ही नहीं करेंगे जो अमीर लोग हैं, है ना, तो इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ये तो रस्ते का माल सस्ते में बात आ जाएगी। सो ये रीजन है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो स्टेटस सिंबल में आते हैं, उनकी डिमांड तभी होती है जब वो प्राइस में ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये अमीरों की निशानी होती है। सो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मीन्स दोज गुड्स विच आर हाईली वैल्यूएबल एंड हाईली डिमांडेड इन द मार्केट, जिसका प्राइस भी ज्यादा होता है और इनकी डिमांड भी ज्यादा होती है।
यहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये रिच पीपल्स के लिए एक स्टेटस सिंबल है, इसकी डिमांड तभी होती है जब इनका प्राइस ज्यादा होता है, जैसे डायमंड, विंटेज कार, पेंटिंग ऑफ अ फेमस पेंटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है गिफन गुड्स। अब ये गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये होता क्या है। तो यहां पर हम अंडरस्टैंड करते हैं, हेडिंग लिखी मैंने टाइप्स ऑफ गुड्स। अब वैसे टाइप्स ऑफ गुड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको दो ही बता रहा हूं। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन की थी। एक होती है नॉर्मल गुड्स और एक हमारे पास होती है इंफीरियर गुड्स। अब देखो, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसमें इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, यानी इनकम इंक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज हो जाती है। कस्टमर का अगर सैलरी बढ़ेगा तो वो डिमांड भी बढ़ाएगा, अगर इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। और नॉर्मल गुड्स में जो प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा। इंफीरियर गुड्स जस्ट इसके ऑपोजिट होती हैं। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। यस्टरडे मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि अगर इनकम बढ़ जाएगी तो लोग डिमांड कम करने लगते हैं, क्योंकि सिंपल है ना, फुल क्रीम मिल्क एंड टोन्ड मिल्क, या फिर मस्टर्ड ऑयल वर्सेस ऑलिव ऑयल। अगर इनकम बढ़ी है तो आप मस्टर्ड ऑयल को कंज्यूम करना कम कर दोगे और आपकी डिमांड ऑलिव ऑयल की तरफ चली जाएगी। सो ये उसी की एग्जांपल है। ऐसे ही इनकम अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। मान लो आपकी इनकम कम हो गई तो आप ऑलिव ऑयल से दोबारा किस पे आ जाओगे, मस्टर्ड ऑयल पे, तो मस्टर्ड ऑयल की डिमांड बढ़ जाएगी। और यहां पर प्राइस इफेक्ट भी ऑपोजिट होता है। प्राइस इफेक्ट यहां पर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब प्राइस बढ़ने पे डिमांड ज्यादा और प्राइस कम होने पे डिमांड कम। तो सर इसमें से गिफन गुड्स कौन सी होती है? जब हम गिफन गुड्स की बात करते हैं ना, तो गिफन गुड्स में हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस इफेक्ट को देखते हैं, यानी गिफन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के दो पार्ट्स हैं, इनकम और प्राइस, यानी हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट वाले को हम गिफन गुड्स कह सकते हैं। ऐसे गुड्स जहां पर प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव हो, यानी प्राइस बढ़ने पे डिमांड ज्यादा, प्राइस कम होने पे डिमांड कम। सर एग्जांपल, कोई एग्जांपल है जैसे ब्रेड। बेसिकली गिफन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसका अल्टरनेटिव अवेलेबल ही नहीं होता, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जैसे ब्रेड, मतलब कंपनी वाइज अगर देखा जाए तो कंपनीज बहुत सारी हो सकती हैं ब्रेड में, लेकिन इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर ब्रेड कंज्यूम करनी है तो ब्रेड ब्रेड है ना, रोटी के साथ इसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसको हम किसी और चीज के साथ अल्टरनेटिव नहीं कर सकते, ब्रेड इज ब्रेड। सो ब्रेड की डिमांड चाहे प्राइस ज्यादा हो चाहे कम हो, इसकी ज्यादा ही रहने वाली है क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। मान लो प्राइस अगर बढ़ जाता है, ब्रेड का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है तो भी इसकी डिमांड ज्यादा होगी। मान लो ब्रेड 10 रुपए की थी, 10 से वो 12 की हो जाएगी, तो भी इसकी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं अवेलेबल है। आपको यही कंज्यूम करनी है, क्विक, रेडी टू मेक है और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2-5 रुपए महंगी हो गई, तो इसको हम कहते हैं गिफन गुड्स। जैसे ज्वार, बाजरा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सो गिफन गुड्स वो गुड्स होती है जिसमें प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इफेक्ट होने का मतलब प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस कम होने पे डिमांड भी कम हो जाएगी। तो क्या यहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ? नहीं, लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है ना कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम, प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा हो जाएगी, लेकिन गिफन गुड्स में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। प्राइस बढ़ने पर भी लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो गिफन गुड्स पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता।
सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन कस्टमर जज द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। अब देखो कई बार क्या होता है, कस्टमर्स जो होते हैं ना वो प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जज नहीं करते, वो प्रोडक्ट को यूज करने से पहले ही उसके प्राइस से ही उसकी क्वालिटी का अंदाजा लगा लेते हैं। मतलब वो सोच लेते हैं कि अगर प्राइस कम होगा तो जरूर इस प्रोडक्ट में कोई ना कोई खराबी होगी, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो वो सोचते हैं इसका प्राइस ना इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें जरूर कुछ ना कुछ क्वालिटी अच्छी होगी, कुछ स्टैंडर्ड होगा, कुछ ड्यूरेबिलिटी होगी। सो यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन यहां तो कस्टमर्स ऑपोजिट ही कर रहे हैं। वो कस्टमर्स जो प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी प्राइस से जज करते हैं वहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली कस्टमर सोचते हैं कि अगर ये सस्ता है तो जरूर ये खराब प्रोडक्ट होगा। सो यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ, कहां पर, जहां पर प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके प्राइस से जज होती है। सो लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट वर्क इफ अ कस्टमर इज जजिंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स प्राइस, as a customer will think low price means low quality and high price means high quality. Next हमारे पास है necessity commodities. अब कुछ commodities ऐसी होती हैं जो basic necessities होती हैं, वहां पर भी law of demand apply नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो चीज चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना नहीं रहा जा सकता, जो necessity है, जिसके बिना जिंदगी आपकी life आगे नहीं बढ़ सकती, उसमें प्राइस जितना मर्जी इंक्रीज होता रहे आपको वो चाहिए ही चाहिए। प्राइस जितना मर्जी कम होता रहे, जितनी क्वांटिटी में लेते थे उतनी ही क्वांटिटी में आप लेते रहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट, मेडिसिन, व्हीट, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, बिना मेडिसिन के आप नहीं रह सकते, आपको चाहिए ही चाहिए, प्राइस जितना मर्जी बढ़ता रहे। सो यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। अगर मेडिसिन चाहिए तो आप वेट नहीं करोगे कि कब इसका प्राइस कम हो, प्राइस ज्यादा होने पर भी आप इसको परचेस कर ही लोगे। लास्ट हमारे पास है गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी स्केयर्स। मतलब कई बार क्या होता है, कस्टमर्स जो है वो एस्टिमेट करते हैं, वो एस्टिमेट लगाते हैं कि ये गुड्स ना मार्केट में से जल्दी खत्म होने वाले हैं, जिसके कारण वो ज्यादा प्राइस देके भी उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। जैसे हाल फिलहाल में कुछ कोविड के टाइम पे ये अफवाह उड़ी थी कि सॉल्ट खत्म होने वाला है, नमक खत्म होने वाला है, नमक की शॉर्टेज हो गई है, तो लोगों ने नमक की बोरियां भरनी शुरू कर दी घर पे कि अगर नमक खत्म हो गया तो कैसे रहेंगे। तो उन्होंने एस्टिमेट लगाना शुरू कर दिया कि अगर नमक खत्म हो गया, स्केयर हो गया, लिमिटेड रह गया, आया ना हमारे पास, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कोविड के टाइम पे ज्यादा प्राइस दे दे कर भी 50-50, 60-60, 100-100 रुपए का एक नमक का पैकेट परचेज किया है जो 20 रुपए का आता है। तो यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो प्राइस बढ़ता जा रहा है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ये कब होता है? जब एक इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ना हो, इकोनॉमी में वॉर चल रही हो, जंग छिड़ गई हो किसी कंट्री के साथ, तब लोग हाई प्राइस देके भी अपने स्टॉक को घर पे मेंटेन करना चाहते हैं। उनको होता है कि भाई वॉर हो रही है तो क्यों ना हम सेफ्टी पर्पस के लिए प्रोडक्ट लाकर घर पे रख ही लें, चाहे महंगा ही क्यों ना लेकर आए, चाहे ज्यादा ही प्राइस क्यों ना देना पड़े। सो फिफ्थ रीजन क्या है, कई बार कस्टमर्स एस्टिमेट करते हैं कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, इसलिए अभी इसको परचेज करके रख लो। तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताओ, हम आपका डाउट सॉल्व कर देंगे।